देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ दौरे पर जाएंगे, जहां वह दोपहर 2 बजे सरधना में होंगे, जहां 700 करोड़ की लागत से बनने वाले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री भगवान ओगड़नाथ मंदिर और शहीद स्मारक भी जाएंगे, जहां खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में प्रदेश के सभी जिलों से 16,850 खिलाड़ियों को बुलाया गया है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां उनसे जानकारी लेंगे कि आज क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे योगी प्रधानमंत्री मोदी के। तो गौरव, जिस तरीके से आज पीएम मोदी का आज मेरठ दौरा है, वहां पर आज क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? देखा जा रहा, लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार उत्तर प्रदेश आ रहा है और अलग अलग रैली और जनसभाओं के माध्यम से जनता से बात कर रहा है, समर्थन की बात की जा रही है और जनता को तमाम तरह की सौगातें भी दी जा रही हैं और अलग अलग वर्ग के अलग अलग व्यवस्थाओं के चलते अलग अलग सम्मेलन भी आयोजित किए गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश आ रहा है। अगर मैं दिसंबर की बात करूँ तो दिसंबर ही प्रधानमंत्री लगभग 5 बार उत्तर प्रदेश आए थे, जहाँ पर 13 दिसंबर को उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, लोकार्पण किया था। उसके बाद फिर वो 18 तारीख को वो पूर्वोत्तर एक्सप्रेस वे वहां पर गए थे। इसके अलावा फिर प्रयागराज, बनारस और फिर आखिर में उन्होंने कानपुर मेट्रो का लोकार्पण भी किया था। तो 5 बार लगभग दिसंबर में आए थे। वो जैसे ही साल शुरू हुआ है तो मेरठ दौरा है अहम दौरा माना जा सकता है, क्योंकि मेरठ में जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था उसके चलते पश्चिम में थोड़ा सा एक आतंक जरूर हुआ था कि लग रहा था कि हाँ भाजपा को यहाँ नुकसान हो सकता है, उसी पश्चिम को अब बेहतर करने की कवायद लगातार शुरू हो गई है। और मेरठ का दौरा रहेगा, जहाँ पर सबसे पहले वो शहीद स्मारक पहुंचेंगे और शहीद स्मारक पहुंचने के बाद वहां पर जो शहीद स्मारक बना हुआ है वहां पर वो अमर ज्योति जवान जो बनी हुई है वहां पर श्रद्धांजलि देंगे जवानों को। इसके साथ ही वहां पर स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम बना हुआ है वहां भी जाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री वहां से हेलीपैड के माध्यम से सलाबा पहुंचेंगे। सलाबा में जो ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बन रहा है वहां पर जो बना हुआ है उसका लोकार्पण करेंगे। वहां पर लगभग 16,850 खिलाड़ी वहां पहुंचेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री लगभग 32 खिलाड़ी से जवान संपाद भी करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह की गतिविधियां खेल में चल रही है और क्या बेहतर हो सकता है। इसके प्रधानमंत्री वहां जनसभा को संबोधित भी करेंगे, क्योंकि जनसभा के माध्यम से ही जनता से हम संवाद कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकाल कैसा रहा है और क्या कुछ बेहतर और किया जा सकता है। जिस तरीके से कई खिलाड़ियों को वहां बुलाया गया है, तकरीबन 16,850 खिलाड़ियों को वहां बुलाया गया है, आखिर क्या कारण है जिनकी वजह से इन खिलाड़ियों को वहां पर बुलाया गया? जी मैं बता दूं कि मैंने चुनाव बताया, अलग अलग वर्ग को लुभाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, अलग अलग वर्ग सम्मेलन भी हुए हैं और खासतौर से आप हम दफ्तर देखें, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, चाहे 2014 की बात करें या 2019 की बात करें, वो लगातार खेलों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। खेलों की जो प्रकृति है, खेलों की जो गतिविधियां हैं, जो खेल समारोह है, इस तरह के समारोह हमेशा होते रहते हैं। जिस तरह से भी हाल में तरह से आप देख रहे थे पूरे देश में चल रहा था, सांसद खेल कुंभ चल रहा था, उसके तहत भी लगातार कई तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया की जो इनकी टीम है उससे भी लगातार खिलाड़ियों से संवाद करते रहे और कई तरह के आयोजन होते रहे, तो खेलों को बढ़ाने की हमेशा से उनकी कोशिश रहती है। आज सभी हाल में देखा जाए ओलंपिक से सवार खिलाड़ी लौटे थे, उनको भी उन्होंने संवाद किया था, उनसे मिले थे अलग अलग और सबसे संवाद करके उनको उत्साह बढ़ाया था। इसके अलावा जब ओलंपिक में टीम जीत रही थी तो उनकी खिलाड़ी को वहां से कूपन के माध्यम से भी लगातार उत्साह वर्धन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं। तो खेलों पर उसकी विशेष रुचि है, खेलों के माध्यम से उनका कहना है, खेलों के माध्यम से प्रतिभा बहुत छुपी है हिंदुस्तान में, भारत में, और उसको उभारने का समय आ गया। इसलिए अलग अलग माध्यमों से खेलों के जो कार्यक्रम आयोजित कराते रहते हैं और साथ ही साथ खिलाड़ियों से संवाद करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते रहते हैं। जिस तरह से खिलाड़ियों को लेकर काफी उत्साह वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, क्या इसमें कोई बड़ी घोषणा भी की जा सकती है खिलाड़ियों को लेकर? देखिए बड़ी घोषणा तो अभी फिलहाल कोई बात नहीं है इसकी, पर अभी जिस तरह से खेल विश्वविद्यालय बना है, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय रहेगा और कई करोड़ की लागत से बना है, तो बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश सरकार की। इसके अलावा वहाँ पर जितने खिलाड़ी आएंगे उनमें खास उत्साह देखने को मिलेगा और साथ ही साथ 32 जो विशिष्ट खिलाड़ी रहेंगे उनसे संवाद भी करेंगे। तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री का ये दौरा है, मेरठ दौरा है, निश्चित रूप से पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का जो किसान आंदोलन चलते जो थोड़ा नुकसान उम्मीद देखा जा रही है उसको भरपाई करने का प्रयास भी करेंगे और जनसभा के माध्यम से आम जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होगी। तो बड़ा कार्यक्रम है और निश्चित रूप से जिस तरह से शहीद
स्मारक भी जाएंगे, वहां पर एक श्रद्धांजलि सभा भी करेंगे, वहां पर श्रद्धांजलि भी देंगे। तो बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, खासतौर से चुनाव के समय इस तरह के कार्यक्रम होने से जो एक जन समर्थन मिलता है आम जनता का, वो बहुत जरूरी है। और इस कार्यक्रम में और कौन कौन से मंत्रीगण के मौजूद होने की बात कही जा रही है? देखिए अभी तो सिर्फ जानकारी बताई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, इसके अलावा अनुराग ठाकुर भी वहां जा सकते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे, इसके अलावा आनंदीबेन पाटिल भी वहां पहुंचेंगे जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, इसके अलावा कई कैबिनेट मंत्री की वहां पहुंचने की संभावना है। हालांकि अभी जो जानकारी के मुताबिक केवल इतने लोगों की वहां पर जाने की संभावना बताई जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो पीएम मोदी का आज मेरठ दौरा है, जहां मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। जहां मेरठ दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी और वहां पर कई खिलाड़ियों का संबोधन भी करेंगे। आज लखनऊ में रहेंगे अखिलेश यादव, जहां विजय यात्रा के 10वें चरण की होगी शुरुआत। जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ में रहेंगे, वहां वो विजय रथ यात्रा के 10वें चरण की शुरुआत करेंगे। इससे पहले अखिलेश यादव इस तरह की यात्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में निकाल चुके हैं। अपनी पार्टी के एक MLC और इत्र कारोबारी पर आयकर के छापे के बाद से बीजेपी और सपा के बीच शब्द युद्ध तेज हो गया है। आज अखिलेश यादव लखनऊ में विजय रथ यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं, जहां लखनऊ में रहेंगे अखिलेश यादव। जिससे पहले अखिलेश यादव इस तरह की यात्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश में निकाल चुके हैं, जहां अपनी पार्टी के एक MLC और इत्र कारोबारी पर आयकर के छापे के बाद से बीजेपी और सपा के बीच शब्द युद्ध काफी तेज हो चुका है। विजय रथ यात्रा के 10वें चरण की आज होगी शुरुआत, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ में रहेंगे, वहां वो विजय रथ यात्रा के 10वें चरण की शुरुआत करेंगे। ये विजय रथ यात्रा इससे पहले अखिलेश यादव की पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश में निकाल चुके हैं, जहां अपनी पार्टी के एक MLC और इत्र कारोबारी पर आयकर के छापे के बाद से बीजेपी और सपा के बीच शब्द युद्ध काफी तेज हो चुका है। अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा का आगाज किया है, जहां तमाम शहरों में विजय रथ यात्रा वो निकाल चुके हैं। अब लखनऊ में 10वें चरण की विजय रथ यात्रा अखिलेश यादव करने जा रहे हैं, जिसके लिए आज उन्होंने अपनी कमर कस रखी है। उनके MLC पीयूष जैन के ऊपर किए गए छापे से काफी परेशान है और उसके लिए पार्टियों में वाद विवाद शुरू हो चुका है। अपनी पार्टी के एक MLC और इत्र कारोबारी पर आयकर के छापे के बाद से बीजेपी और सपा के बीच युद्ध शब्द युद्ध काफी तेज हो चुका है। 10वें चरण की विजय रथ यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं अखिलेश यादव, जिसमें आज वो जनता को संबोधित करेंगे। तमाम जनता यहां पर मौजूद है, जहां पर समाजवादी पार्टी के राजनीतिक विजय रथ यात्रा का 10वें चरण का आगाज होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ में आज रहने वाले हैं, जहां वो विजय रथ यात्रा के 10वें चरण की शुरुआत करेंगे। इससे पहले अखिलेश यादव इस तरह की यात्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश में निकाल चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवांशु लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विवांशु, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, जिस तरीके से 10वें चरण की आज अखिलेश यादव शुरुआत करने वाले हैं, तो क्या कार्यक्रम रहेगा उनका? आज लखनऊ में अखिलेश यादव के 10वें चरण की विकास विजय रथ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ में रहने वाले हैं, जहां वो विजय यात्रा के 10वें चरण की शुरुआत करेंगे। उनकी ये यात्रा पहले
अखिलेश यादव इस तरह की यात्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश से निकाल चुके हैं, जहां अपनी पार्टी के एक एमएलसी और इत्र कारोबारी पर आयकर के छापों के बाद से बीजेपी और सपा के बीच शब्द युद्ध तेज हो गया है। विजय यात्रा के दौरान जनता को संबोधित करेंगे और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राजनीति पर होने वाली चर्चा पर बात करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवांशु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो विवांशु, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा अखिलेश यादव का? अखिलेश यादव का आज अगर बात किया जाए तो यात्रा का 10वां दौर है। 10वां दौर आज लखनऊ के कार्यालय के बाहर, आज अखिलेश यादव काफी समय बाद लखनऊ के अंदर में रैली करेंगे। आपको बता दें कि HCL IT सिटी से और गोसाईगंज में एक परशुराम की प्रतिमा का में फरसा लगाने का कार्यक्रम रखा गया है। तो अखिलेश यादव HCL IT से गोसाईगंज जाएंगे और आसपास की जो 9 विधानसभाएं हैं उस पे उसको देखते हुए और वहां के कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर वहां 2 जनसभा करेंगे। आपको बता दें कि CG सिटी और कबीरपुर में रैली करेंगे और इस वहां पे जो आसपास की 9 विधानसभा है, चाहे पूर्वी, पश्चिमी या मोहनलालगंज, जो आसपास की लखनऊ की 9 विधानसभाएं है उसको वहां पे साधने की कोशिश करेंगे। जी विवांशु, ये रैली इनका जो विजय रथ यात्रा है वो कहां से कहां तक की जाएगी? हेलो विवांशु, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। तो ये विजय यात्रा जो शुरू होने जा रही है उसका शुभारंभ कहां से, किस जगह से किया जाएगा? जी आपको बता दें कि HCL IT सिटी से इसकी शुरुआत की जाएगी। आज 10वां चरण है विजय यात्रा का और ये गोसाईगंज के पूर्वांचल एक्सप्रेस के ठीक पास में कबीरपुर स्थित में जनसभा करेंगे और CG सिटी में भी जनसभा करेंगे। महज कुछ दूरी पर दोनों जनसभा की, ये जो जनसभा का आयोजन जहां हो रहा है महज कुछ दूरी पे है, लेकिन आसपास के लखनऊ के 9 विधानसभा क्षेत्रों को ये एक तरह से वहां से जोड़ता है। तो खास तौर पे कह सकते हैं कि अच्छा खासा आज भीड़ होने वाला है और यहां से एक जनादेश भी तैयार हो सकता है। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव विगत कई सालों के बाद आज लखनऊ के अंदर में रैली कर रहे हैं और खास तौर पे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लखनऊ के अंदर संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार काफी समय के बाद वो बाहर से रैली करेंगे। और आपको बता दें कि वहां परशुराम की एक प्रतिमा है जो कि समाजवादी पार्टी के एक विधायक के द्वारा बनाई गई है, उसमें फरसा लगाने का काम करेंगे, फरसा लगा के उसका अनावरण करेंगे। और ये परशुराम की प्रतिमा वहां से पूर्वांचल एक्सप्रेस से भी दिखती है। परशुराम की प्रतिमा लगाने का बस एक ही मतलब कह सकते हैं कि ब्राह्मण वोटों को साधना, जहां सभी पार्टियां ब्राह्मण वोटों को अपने तरफ पोलराइज कर रही है, तो सपा परशुराम की मूर्ति को फरसा लगा के उसे अपने तरफ करने की कोशिश कर रही है। विवांशु, जिस तरीके से आज राजधानी लखनऊ में इस विजय यात्रा का शुभारंभ होने वाला है, इससे पहले वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये इस तरीके की यात्रा कर चुके हैं, तो आज क्या कुछ खास होने वाला है और क्या कुछ बड़े मुद्दे रहेंगे अखिलेश यादव के? जी आपको बता दें कि अखिलेश यादव विगत कुछ महीनों में पूर्वांचल पश्चिमी क्षेत्रों में हर एक क्षेत्रों में जा चुके हैं। इनकी रथ यात्रा यूपी के 75 जिलों में जाएगी। इसकी शुरुआत होती है जौनपुर से, अब गोरखपुर से लेके जौनपुर, मिर्जापुर, बागपत, शामली लगभग जगह कवर हो चुका है। 3 चरणों में इनके यात्रा प्रदेश में घूमेगा। और आपको बता दें कल के एक बयान में अखिलेश यादव ने कहा है और आज भी उसकी घोषणा कर सकते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेंगे और साथ ही साथ सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली का प्रावधान किया जाएगा। और अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल ये घोषणा पहले ही कर चुके हैं कि अब इससे अब वोटर्स में क्या इसके प्रति भावना जगती है और किस तरफ पोलराइज होता है। जिस तरीके से आज राजधानी लखनऊ में ही अखिलेश यादव की यात्रा है, तो उसमें आज उनके साथ में और कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं? जिस तरीके से प्रसपा उनके शिवपाल सिंह यादव भी उनके साथ गठबंधन कर चुके हैं, तो क्या उम्मीद जताई जा रही है कि वो भी आज इनके साथ इस यात्रा में मौजूद रहेंगे?
नहीं, शिवपाल जी आज चादर किसी मजार में चादर चढ़ाने के कार्यक्रम में जाएंगे, और आपको बता दें कि इस जो परशुराम की प्रतिमा के में फरसा लगाने का अनावरण किया जाएगा, उसमें खास तौर पे वो ब्राह्मण नेताओं को रखे हैं, जिसमें उनके ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे रहेंगे, जो कि आपकी बरेली से विधायक हैं, और साथ ही साथ लखनऊ के पूर्वी से अभिषेक मिश्रा रहेंगे, और ऐसे तमाम ब्राह्मण नेताओं को उन्होंने वहां पे जुटाया है, और खास तौर पे हम कह सकते हैं कि इससे ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। जी बहुत बहुत शुक्रिया विमांशु हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो लखनऊ में आज रहेंगे अखिलेश यादव, जहां उनकी विजय यात्रा के 10वें चरण की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले अखिलेश यादव इस तरह की यात्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश में निकाल चुके हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के एक एमएलसी और इतर कारोबारी पर आयकर के छापे के बाद से बीजेपी और सपा के बीच एक शब्द युद्ध तेज हो चुका है। प्राइम टीवी की खास खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।